आप सबके बीच में फिर से मैं एक बार हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं दूसरा वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊंगा, तो वीडियो आपके सामने है और इसमें मैं कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा उन फार्मासिस्टों का जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम आयुर्वेद से फार्मेसी करते हैं तो हमारे फ्यूचर में कौन सी जॉब हमें मिलेगी, या हम अपनी फार्मेसी खोल करके दवा सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, तो वीडियो में चलेंगे, बात करेंगे। कृपया वीडियो पूरा देखें, और वीडियो में जाने से पहले आपसे ये कहूंगा कि आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको मेरी जो रोज वीडियो लगातार वीडियो आने वाली है तो आपको वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए बेल आइकॉन दबा लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप पूछ सकते हो और मैं सबकी जो भी कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डी फार्मा आयुर्वेदा, एलोपैथी की बात करूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे फार्मासिस्ट एलोपैथी से करके बैठे हुए भी हैं और जॉब भी कर रहे हैं, अपनी शॉप भी चला रहे हैं। मार्केट में इस समय एलोपैथी फार्मासिस्ट बहुत सारे हैं और दवा सेल भी कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये पूछूं कि आयुर्वेद से कितने फार्मासिस्ट हैं, तो शायद ही आप ये कह पाएंगे कि नहीं, आयुर्वेद से फार्मासिस्ट है। आपके इलाके में भी अगर आप ढूंढे तो बहुत ही कम फार्मेसी ऐसी मिलेगी जहां पे आपकी को आयुर्वेदिक दवाएं आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे ये चीजें हैं कि जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी एलोपैथ से है, उसी तरह डिप्लोमा इन फार्मेसी आयुर्वेद से है। कोर्स ड्यूरेशन सेम 2 साल का ये भी है, और जैसे कि मैंने कोर्स फीस मेंशन की हुई है, डिफरेंट पैरामेडिकल कॉलेज में डिफरेंट फीस है, गवर्नमेंट कॉलेज में और कम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोर्स फीस आपको 60,000 से 80,000 आपको देना है। और जैसा कि मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मैं आनंद गंगा फार्मेसी नर्सिंग कॉलेज देवरिया में पोस्टेड हूँ और आयुर्वेदिक कॉलेज में ही हूँ, और मैं बहुत सारी चीजें आयुर्वेद के बारे में जान भी रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि सबकी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकूँ। तो यहाँ पे कोर्स फीस आपको मैंने बता ही दिया, और जॉब अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम आयुर्वेद से फार्मेसी कर ले तो हमें जॉब कौन सी मिलेगी, तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आयुर्वेद विभाग है उसमें आपको फार्मासिस्ट की जॉब आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और गवर्नमेंट ध्यान दे रही है इस समय आयुर्वेद पे, तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट की बहुत सारी वैकेंसियां भी आने वाली है। और जैसे ही वैकेंसी आती हैं, तो अगर आप डिग्री लेकर के बैठे हुए हो तो आप उसमें आसानी से आपको जॉब मिल जाएगी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट का जॉब कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक और है कि आप अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकते हो, मतलब अपना एक मेडिकल शॉप डाल सकते हैं जिसमें आप आसानी से 40% आप एलोपैथी और 60% आयुर्वेद, मतलब कि 40 और 60 के रेशियो में आप दवा सेल कर सकते हो। और दूसरी चीज फार्मा, आप चाहें तो अपना खुद का फार्मा खोल करके दवा बना करके सेल कर सकते हो, मतलब ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ये कि आप अपनी खुद का अपने नाम से फार्मा डालिए और खुद दवा बनाइए और खुद सेल कीजिए, जो जो कि एलोपैथी में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं ऐसी हैं जो आसानी से आप 2 कमरे या 3 कमरे लेकर के आसानी से आप खुद वर्कर को रख करके आसानी से दवा बनवा सकते हो और अपने नाम से, या जो भी नाम आप कंपनी डालना चाहते हो, फार्मा डालना चाहते हो, उससे आप अपना दवा सेल कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां इस समय है आयुर्वेद में, अगर आप देखें तो, अगर आपको कायम चूर्ण भी चाहिए तो आप जाओगे तो कायम चूर्ण में भी बहुत सारी वेरायटियां मिलेंगी, डाबर का मिलेगा, बैद्यनाथ का मिलेगा, पतंजलि में बहुत सारी दवाइयां हैं, डाबर है, पतंजलि है, बैद्यनाथ है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद से हैं, उसमें भी आपको एज ए फार्मासिस्ट आपको जॉब मिल जाएगी। तो आपके पास इसमें ऑप्शन ढेर सारे हैं, जो कि एलोपैथी में आपको ऑप्शन इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इसमें जॉब के लिए तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए कि अगर आप आयुर्वेद से फार्मेसी करते हैं तो आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप इस चीज को छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आप अगर आयुर्वेद से फार्मेसी करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं, तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है, और वैकेंसियां जैसे कि मैं बता चुका हूं वैकेंसियां आने वाली है, तो आपको जॉब मिलेगी। तो अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन हो कि नहीं ये कहां से होगा कैसे होगा, तो आपको ये बता दूं कि आयुर्वेद का जो पूरा विभाग है केंद्र सरकार देखता है, केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय देखता है, तो इसमें किसी भी चीज की किसी भी तरह की धोखाधड़ी की कोई बात ही नहीं है। तो आसानी से आपको अगर एडमिशन कराना है तो हम नीचे अपना
कॉलेज का लिंक भी दे देंगे और अपना मोबाइल नंबर भी दे देंगे। आप इस पे जो भी आपको डिस्कशन करना है, जो भी एडमिशन से चीज रिलेटेड जो भी पूछताछ करनी है, आप आसानी से कर सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं कि आप अगर आपके दिमाग में ये हो कि नहीं सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाएंगे, क्या चीजें हैं, तो जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी उसमें अगर आपको जो भी चीजें आपको पूछनी है आप पूछते रहेगा, हम आपके एक एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे और सबकी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।